यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में रविवार को 11 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 2 पर अनियंत्रित ट्रक ने टेम्पो और कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रक की स्पीड काफी ज्यादा थी। चालक ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिसके बाद उसने पहले टेम्पो को टक्कर मारी और फिर कार पर जा गिरा। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां आ गए। उन्होंने हादसे में दबे लोगों को बाहर निकाला और आसपास के अस्पतालों तक पहुंचाया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है। मालूम हो कि फिरोजाबाद के सिरसागंज के सोथरा रोड पर ओवरब्रिज बन रहा है। रविवार को यहां से गुजर रहा ट्रक मुड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान वो पलट गया। ट्रक के नीचे पास से ही गुजर रहे वैगनार कार और टेम्पो दब गए। हादसे के वक्त कार और ऑटो में 6-6 लोग सवार थे। हादसे में 2 राहगीर भी चपेट में आ गए। घायलों को फिरोजाबाद और शिकोहाबाद जिले के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये एक सिरसागंज क्षेत्र में हमारे जनपद में NH2 पर एक हादसा हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, जिसमें एक हरियाणा नंबर का 10 चक्का ट्रक था जो बड़े स्पीडीली आ रहा था और अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से उसकी चपेट में एक वैगनार कार आ गई और साथ ही में कुछ दो तीन राहगीर खड़े थे, वो भी इस चपेट में आए। एक ऑटो था, 3-व्हीलर था, उसमें बैठे हुए कुछ लोग थे, वो लोग भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। अभी जो पुष्टि मिली हुई है आधिकारिक रूप से, वो लगभग 11 लोगों की डेड बॉडीज यहाँ से रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल में मॉर्चरी में पहुँचाया गया है। एक पेशेंट हाईली क्रिटिकल स्टेज में, गैस्पिंग स्टेज में है, उसको डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई कर सकें और कुछ चिकित्सीय हेल्प कर सकें। इस भीषण ट्रक हादसे में ट्रक का चालक मौके से भागने में फरार हो गया, वहीं घायल कंडक्टर को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मरने वाले लोगों की शिनाख्त की जा रही है। दीपक जैन, अमर उजाला टीवी, फिरोजाबाद।